गाइस भाई, गुड मॉर्निंग। हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच से मैं अनु शर्मा चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और अनदर वीडियो को लेकर। गाइस भाई, जो हमारी शैडो है वो भी हमारे साथ पहुंच चुकी है। अभी मौसम का हाल कुछ ऐसा है, सुबह से तो भाई एकदम ही खतरनाक वाली बारिश हो रही थी और अभी बस अपने घर के पास वाले फार्म के पास स्प्रे भी हमारी खड़ी है। तो ये काम हो रहा है, जैसे एक में लगी है ना, जैसे गाइस की कलम लगी तो बस इसमें एक को ही हम ऊपर जाने देंगे, एक की शूट को बस। गाइस भाई, आज तो बस ये वाला काम हो रहा है, जितने भी है सारे बस यही काम हो रहा है। बाकी तो कुछ टाइम बाद तो हमारे को ये जो कलमे है ये भी खोलनी पड़ेगी। गाइस भाई, हमारी शैडो इधर शिकारी बनी हुई, ये देखो ये देखो, सारे छोटे बड़े कीड़े सब कुछ खा लेती है। बस यहाँ पर जो चूहे लगते हैं ना इसमें, वो नहीं खा जाते इससे। बाकी तो भाई छोटे मोटे कीड़े जितने भी है सब साफ है। ओ मेरे बच्चू शैडो, ओ भाई कालो कालो। तो मर्जी बोलो गाइस भाई, स्प्रे का असर तो हुआ ही है। ये देखो एकदम ही खिली खिली सी पत्तियां हो चुकी है सारी की सारी। ये सब कुछ पड़ा था हमने, जितना भी खरपतवार है ना, लेकिन भाई ये फिर से लग चुका है और नाशपाती का सिंगल स्टंप पे ये हाल है कुछ, जैसे कि देख सकते हैं। तो भाई इसकी हाइट भी अभी काफ़ी जले गई है, तो मैंने थोड़ी सी इसको ऊपर से कुछ टाइम के लिए डेड कर दिया ताकि भाई नीचे की ओर सारा पंप आए। कई कई कॉल में तो भाई इतना अच्छी ग्रोथ कर रही है, यहाँ देखो गाइस कितनी ही बड़ी हो चुकी है। हमारे गाइस भाई ये दो सेब है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ही बड़े बड़े हो गए और ये लगता है मुझे भाई ये तो लार्ज से ऊपर जाएंगे, एक्स्ट्रा लार्ज में। इधर को भाई मैंने सारा का सारा जो शूट्स है वो मैंने सारे बांध लिए थे, थोड़े और डाउन किए ये वाले, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला डाउन किया, ये डाउन किए थोड़े और नीचे। तो सही है भाई, जो भी है सही से चल रही है बस। बाकी मैंने भाई ये भी बांध लिया था इस तरफ से, इसको थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया, हॉरिजेंटल कर दिया था इसको, हम हॉरिजेंटल से भी नीचे ले जाएंगे ताकि इसमें भाई बीम स्प्राउट हो सके। मैं पूरी की पूरी सर्जरी हो चुकी है इसकी। गाइस भाई, जो हमारे यहाँ गलती से जो नाशपाती लगी थी तो ये भी सही चल रही है, पर इसकी ग्रोथ तो ढीली लग गई है मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। इतनी तो बढ़िया से ग्रोथ हुई लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई ये स्लो हो चुकी है इसकी ग्रोथ, मोटी सी इंच लगा है मोटी। बाकी गाइस भाई, हमारे साथ जो शेड है भाई वो तो एकदम ही साथ चली हुई है, जहाँ जा रहा हूँ वहीं पर आ रही है। गाइस भाई, जो मौसम है वो हमारा एकदम साथ ले रहा भाई। मई में कहाँ बारिश लगती थी, कहाँ ऐसी धुंध पड़ती थी, पता नहीं क्यों तो हो रहा है ऐसा। सर्दी में लगी नहीं, अब इतनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है, अब रुक नहीं रही है बारिश। मिट्टी ढीली हो जाएगी तो भाई जब फ्रूट बड़ा होगा तो गिरने के चांसेस भी पेड़ के ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वेट पड़ेगा ना, जड़ें संभाल नहीं पाएगी ढीली मिट्टी में और लंबी पड़ जाएगा पौधा। तो गाइस भाई, अभी निकाल रहा था मैं यहाँ से घास, तो यहाँ पर भाई मुझे कीड़ा मिल गया, तो ये घास में लगता है और भाई ये धीरे धीरे जो पेड़ है पेड़ में भी घुस जाएगा और फिर पेड़ को ही काटना पड़ जाएगा हमारे, क्योंकि ये पूरा पूरा सुखा देगा, या तो जड़ में घुस जाएगा या भाई इसमें छेद कर देगा कहीं से भी। इसलिए भाई घास निकालना बहुत जरूरी है ताकि ये भाई ख़त्म हो सके। भाई पत्तियों को भी खा लेते हैं, जैसे इसमें पत्तियाँ आई है ना ये वाली, तो ये वाली पत्तियाँ आई है ना, तो इन पत्तियों को भी ये सारी की सारी साफ़ करेगी, इस वजह से ग्रोथ रुक जाएगी और ये भाई सारा का सारा पेड़ जो है वो सूख जाएगा। तो इसीलिए गाइस भाई, घास को निकालने में मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और सबको करनी चाहिए गाइस, क्योंकि घास निकालना बहुत ज़रूरी है पेड़ों के पास से, चाहे वो कोई भी फ्रूट हो। शेडू मेरी शेडू शेडू शेडू, कहाँ छुप गया मेरा शेडो भाई साहब। भाई ऐसा कुछ मेरा फार्म नज़र आ रहा है और शाम के बज चुके हैं 6:37 और आज का व्लॉग जो है वो भाई थोड़ा लेट ही पब्लिश हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि भाई अभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन भाई बज चुके थे 6:37, मतलब कि आधे घंटे लेट आया व्लॉग, उसके लिए सॉरी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल एक और अनदर वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।